हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आपको मैं इसी कड़ी में बार ग्राफ्टिंग के बार बार वीडियोस बताने का मेरा ये मकसद है कि आप देखने के बाद में तो दीज आर दी सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ मीन बार ग्राफ्टिंग। यहाँ बार ग्राफ्टिंग हमने की थी उसका भी वीडियो डाला है हमने, और हाउ टू सिलेक्ट सायन ये देखिएगा। ताजी कल में तोड़ के मैं आज फिटिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने मेरे हाउ टू सिलेक्ट सायन कलमा कैसे निवड़ जाए, कल में कैसे चुनी जाए और कितनी पुरानी चाहिए, 8 से 12 महीने ओल्ड चाहिए, तुरंत में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके तुरंत सिलेक्ट करने के वीडियोज मेरे 5-6 वीडियोज मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए। सभी प्रकार की जो मैंगो ग्राफ्टिंग है उन्हें सभी प्रकार की मैंगो ग्राफ्टिंग में सेम सायन इस्तेमाल करने की है। ऐसा कोई जरूरी स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए अलग, बार ग्राफ्टिंग के लिए अलग, हार्डवुड ग्राफ्टिंग के लिए, क्लिप्ड ग्राफ्टिंग के लिए, पेक ग्राफ्टिंग के लिए, सभी के लिए अलग अलग सायन नहीं, सायन सभी के लिए सेम प्रोसेस में सिलेक्ट की जाती है। ताजी सायन भी सिलेक्ट करने की वीडियोज हैं और प्रोसेस वाले भी 15 से 20 दिन, तो आप सायन के सिलेक्शन वीडियोज आप जाइए। आज मैं जो आपको वीडियोज ये बताने जा रहा हूं, तो यहां एक पेड़ है जो हाथ जैसी मोटाई है, तो आप इसे 1 साल से 2 साल 3 साल से ऊपर के 25 साल 50 साल के पेड़ों पे भी आप बार ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो बार ग्राफ्टिंग करने का मतलब ये है, ये काट दीजिएगा इस प्रकार, और काटने के बाद में आरी से काटेगा, आरी से काटने के बाद में रस्ट लग जाती है, तो रस्ट को पूरा चाकू से फिनिश कर लीजिएगा। यहाँ देख लिया हमने, फिनिश कर लिया। अब वो टॉप पोर्शन में सेंटर पे आप फंजी साइड कोई भी मार्केट में मिलता है वहाँ आधा चम्मच डाल दीजिए, लेकिन बार्क तक मत आने दी, सिर्फ सेंटर के गोल पोर्शन पे उसे क्रश करके जैसे आटा डालने के बाद उसे फैलाते उस प्रकार इसे फैला दीजिए उंगली से। यहाँ मैंने लिक्विड वाला डाला है, आप लिक्विड वाला न डालते हुए सॉलिड स्टेट का पाउडर फॉर्म को डालिए थोड़ा, और उसे फैला दीजिए सेंटर पोर्शन में ताकि फंगस ना लगे। अब ऊपर से इतना साफ सब सब साफ करने के बाद में क्लीन करने के चाकू से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में समझो यहाँ हाथ भर मोटाई का पेड़ है, लगभग आधा फीट गोलाई का, तो इसे इसमें 4 कलमें आसानी से शिफ्ट हो सकती है। तो एक कलमा वर्टिकल कट लीजिए, कितना लंबा ऊपर से टॉप पोर्शन से 5 सेंटीमीटर का वर्टिकल कट, वहाँ चाकू कितना अंदर इंसर्ट कीजिए, लगभग नहीं, जो हार्ड वुड रहता है वहाँ तक इंसर्ट कीजिए और खड़ी वर्टिकल कट दीजिए इस प्रकार 5 सेंटीमीटर, 2-3 बार मारिए। इसके लिए कट देने के लिए आपको बेस्ट उपाय बताता हूँ, चाकू पतला चाहिए। और दूसरी चीज़, मार्केट में थर्मोकुल का आपको थर्मोकुल का चाकू मिलता है 5-10 रुपये में, वह 2-3 खरीद लीजिएगा, लेकिन उसको यूज करने के बाद में आप उसे धो लीजिएगा फंजीसाइड के लिक्विड से, या तो स्पिरिट मिलता है मार्केट में दोस्तों, स्पिरिट से धो लीजिएगा, जो अल्कोहल है वहाँ आप मेडिकल शॉपिंग में स्पिरिट या अल्कोहल मिल जाता है 15-20-25 रुपये में, वहाँ बॉटल लीजिएगा। तो यहाँ ब्लेडों को आप काम करने के बाद में साफ कीजिए, और काम करने के बाद और काम शुरू करने के पहले साफ करके पोंछ लीजिएगा और उसे सूखने दीजिएगा। इस प्रकार देखिएगा, हमने वर्टिकल 2-3 बार कट बार बार रिपीट मारने का वहाँ पर, ताकि क्लियरली वो पोर्शन कट जाए। उसके बाद में 2 चाकू मैंने सिंगल चाकू की मदद से अंदर इंसर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा उलाने के लिए, और 1-1 सेंटीमीटर के बाद में ऐसा डालिए, अंदर घुसेड़िए उसे या अंदर इंसर्ट कीजिए चाकू की नोक को, और थोड़ा टिल्ट करिएगा ताकि वह छाल ढीली हो जाए। ये देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार ईजिली ऐसा अंदर डालिए और उसे, ताकि पूरी छाल हार्ड वुड से अलग हो जाए। तो इस प्रकार आपको इसे ढीला करना है, लूज करना है, एक ख्याल में रखिएगा इस प्रकार। और इन कट के बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए, जो कट मार रहे हैं आप दो वर्टिकल कट, इनके बीच का डिस्टेंस लगभग 2 सेंटीमीटर लगभग चाहिए, आप ज़्यादा नहीं, 2 सेंटीमीटर के ऊपर कट नहीं मारने का। तो यहाँ पर हमने 4, तो यहाँ मारिए, इसके अपोजिट साइड में एक मारा अपन ने, और ऐसी इस प्रकार, ताकि अपने बांधने में सुविधाजनक हो। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इसमें 4 समझो, कंसीडर करो 3 फीट गोलाई का पेड़ है, कंसीडर करो, तो 3 फीट गोलाई के पेड़ पे कितना, तो 3 फीट गोलाई का अगर पेड़ है तो लगभग 8 सायन फिट कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसे वेड्स कहते हैं, वेड कट कहते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर का वर्टिकल कट दिया है तो 4 सेंटीमीटर का वेड्स कट करना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ सायन 8 से 12 माह पुरानी चाहिए। और किस मैंगो के लेके आने हैं, तो जो मैंगो आपके परिसर में अच्छे क्वालिटी का हो उसी क्वालिटी का, कोई ज़रूरी नहीं हाइब्रिड का ही, देसी क्वालिटी भी अगर दोस्तों अच्छी क्वालिटी की है, देसी क्वालिटी, तो देसी क्वालिटी की भी सायन आप फिट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देसी आम में भी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ है दोस्तों, कोई आपका जंगली आम है,
तो इस प्रकार बहुत सारे क्वालिटी। तो जनरली अपने एरिया में अगर से गार्डन नहीं है तो आप लोगों से पूछिएगा, किसी के यहाँ अगर अच्छी वेराइटी का आम है तो वहाँ से ताजी कलमे भी ला सकते हैं या तो डीफॉलिएटेड सायन भी ला सकते हैं। इसलिए सायन सिलेक्शन के मेरे वीडियो है, हाउ टू सिलेक्ट सायन और कलमे कैसी चुनी जाती है, इंस्टेंट सायन तुरंत कलमे कैसी चुनना, तो दोनों टाइप की वीडियोज हैं। तो यहाँ कलमे आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कलमे जो करते हैं मैंगो ग्राफ्टिंग, यहाँ रेनी सीजन में किया जाता है। अब इंडिया में रेनी सीजन कौन सा है, तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक यहाँ बेस्ट मंथ है। अब यहाँ सायन फिट करने के बाद में आपको इसकी केयर किस प्रकार लेना है, तो ऊपर में कैप पहनाना है, नीचे पॉलीथीन से कसना है, उसके बाद में सुतली से कसना है या तो प्लास्टिक केन आती है उससे कसना है। अब दोस्तों इसके लिए 52 माइक्रोन का जाड़ा पॉलीथीन मिलता है मार्केट में, वह बोरी के साइज का होता है, वह 200 से 300 रुपए किलो मिल जाता है। तो यहाँ तालुका प्लेसेस पे पॉलीथीन हाउस रहता है जहाँ पर हर प्रकार की छोटी से बड़ी पॉलीथीन मिलती है। तो ये 50 किलो की जो बैग आती है उस प्रकार के पॉलीथीन की बैग्स मिलती है दोस्तों, तो एक किलो में लगभग 15 से 20 मिल जाती है, 15 से 20 पॉलीथीन बैठती है। तो आप अगर सिंगल लेना चाहते हैं तो आप 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो पॉलीथीन की स्ट्रिप्स किस प्रकार बनाने का उसका भी वीडियो डाला है। तो ये ऐसे पौधों के लिए पॉलीथीन की स्ट्रिप कितनी चौड़ी काट करना है और वर्टिकल कट करना है आपको खड़ी, जिसका मुंह से लेके देखिएगा तो यहाँ 3 इंच लगभग 2 से 3 इंच चौड़ी करना है और नीचे से आपको इसे इलास्टिक को खींचना है ताकि नीचे से कस लेना है पहले जो कट है उसके नीचे से, ताकि जो बाइंडिंग है यह टाइट हो नीचे देखो, फिर ऊपर आपको चौड़ी चौड़ी करते करते आपको ले जाना है। तो यहाँ फिट करते वक्त जो कट है वर्टिकल कट, उस वर्टिकल कट में आना चाहिए इस प्रकार, एक वन साइड आपको वहाँ सायन फिट करना है। तो क्या अगर से आपने बीच में फिट किया सेंटर में उसके कट के, जो 2 इंच का कट है उसके सेंटर में, तो भी चलेगा, लेकिन आप अगर जो वन साइड लेते हैं तो बेटर रहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सेंटर में भी ले सकते, पर वन साइड फिट कीजिएगा और ऐसा टाइटली कसते कसते आपको लेके आना है। तो पॉलीथीन ऊपर से नीचे फाड़ना है, मुँह जैसे ओपन माउथ है उसका पॉलीथीन का, तो वर्टिकल कट्स हॉरिजेंटल नहीं लेना है। तो यहाँ देख लीजिएगा मैंने 2 स्ट्रिप लगभग 4 फीट लंबे, 4-5 फीट लंबी 2 स्ट्रिप यहाँ लगी है हमको। तो ऐसा कसते कसते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जाइएगा, उसके बाद में टाइटली 2 भी चलेगी ऊपर तक ले जाइएगा, और जो ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा पॉलीथीन को 1-2 सेंटीमीटर आने दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, और इस प्रकार उसका धागा बनाइएगा। ये देखिएगा आखिरी में मैंने धागा बनाया इलास्टिक खींच के, तंती है दोस्तों यहाँ, और देखिएगा इसके अंदर से मैंने ये देखो इस प्रकार अंदर से डाला और फिर खींच लिया, देखो ऐसा खींच लेने का ये टाइटली, ये देखो धागा बन गया। अब ये अनवाइंड नहीं होंगे, देखो मैंने छोड़ दिया इसे दोस्त। इस प्रकार आप हाथ जैसे मोटाई वाले पेड़ में 4, अब इसको कितने हाइट से कट करने का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने हाइट से करना है। अगर यहाँ आपके बगीचे में है और आपको नीचे से आम तोड़ने हैं इन फ्यूचर भविष्य में, तो आप इसे 3 फीट के ऊपर से कट कर दीजिएगा, 2 फीट से भी कट कर सकते हैं। 2 फीट से कट करोगे आप तो यहाँ बिल्कुल ज़मीन से लग के फ्रूटिंग होगी इसकी, ताकि एक छोटा 3-4 साल का भी बच्चा इसका फ्रूट तोड़ सके। लेकिन दोस्तों अगर से यहाँ आपके गेट में है और आपको वहाँ से नीचे से आना जाना करना है या चबूतरा बनाना है नीचे, तो 5 फीट ऊपर से कट करके सायन फिट कीजिएगा, एक ख्याल में रखिएगा। अब इसके टॉप पोर्शन पे क्या करना है, आपको 3 इंच चौड़ी लंबी स्ट्रिप 2-2 फीट की या 1 फीट की काटना है और वहाँ फैला देना है। मैंने यहाँ पर 2 हॉरिजेंटल और एक हॉरिजेंटल बोलता हूँ, एक डायरेक्शन से डाली और दूसरी इसकी विरुद्ध डायरेक्शन से डाली, और देखो इसको मैंने पैक कर दिया। और यहाँ पैक करते वक्त किस प्रकार पैक करने का, देखो ये कलम के पास में देखिएगा इस प्रकार टोटल ऐसी देखिएगा, एक में एक को क्रॉस करके ऐसी पैक आना चाहिए, यानी कलमों के जो मुँह है जहाँ से निकली है वो पोर्शन बंद हो जाना चाहिए, ये प्रिकॉशन लेने का। तो इस प्रकार 2-3 स्ट्रिप ऊपर माउथ में अंदर इंसर्ट करने की और नीचे तक लाने की, टॉप पार्ट जो है उससे कटे हुए पार्ट से 2 इंच नीचे तक देखिएगा, यहाँ देखो देखिएगा यहाँ 2 इंच नीचे, और उसके बाद में फिर पॉलीथीन से आप कस लीजिएगा। यह देखो मैंने फिर पॉलीथीन
कितना वाला पॉलीथीन बांधने के लिए ऊपर में, लास्ट में एक इंच चौड़ा वाला, देखिएगा ये देखो टाइट के लिए, ये टाइटनेस के लिए, इस प्रकार। तो दोस्तों अभी आप देखते जाइएगा, और मैंने मंथ भी बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ जो ऊपर में हम कैप पहनाएंगे वो कितने दिन बाद छोड़ेंगे, लगभग 25 से 30 दिन बाद, जब अंकुर निकलना शुरू हो जाएंगे 30 दिन के बाद में आपके लगभग एक एक इंच पत्ते निकल जाएंगे दोस्तों, सही पौधा होगा तो। और समझो आपकी सायन खराब हुई है कैसे पहचानने का, अगर तो 10 से 12 दिन में सायन बूढ़े इंसान की जैसी स्किन श्रिंकेज होती है उस प्रकार श्रिंक हो गई समझो, तो समझ जाना वहाँ खराब हो गई। अगर समझो पूरी ही आपकी सायन खराब होगी दोस्तों तो क्या करने का, जितना पोर्शन हमने वर्टिकल कट लगाई है उतना पोर्शन फिर से कट कर दीजिएगा आरी से, फिर इसी प्रकार का सेम प्रोसेस करके 10 दिन बाद में फिर बांध लीजिएगा। लेकिन चार सायन में से आपकी एक भी सायन है तो रहने दीजिएगा, सक्सेस होने दीजिएगा, उसके बाद में पत्ते फूटने के महीना भर बाद या दो महीने बाद या पूरी जो झिल्लियाँ है छोड़ दीजिए नीचे जो हमने टाइट कसी, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन है छाल का वहाँ रिप्लेसमेंट के तौर पे वर्टिकल कट करके आप नई सायन फिट करके फिर से बांध दीजिएगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सायन, और फिर से इसी प्रकार कवर कर दीजिएगा आप, तो सेम इस पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 दिन के बाद में ऊपर की टोपी हटा देना है आपको। लेकिन व्हाट अबाउट नीचे की पॉलीथीन, तो नीचे की पॉलीथीन दोस्तों 4 महीने बाद में ओपन करने का आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी पॉलीथीन 4 महीने के बाद ओपन कर देने का नीचे की भी, और उसके बाद में एक बाम्बू स्टिक 2-3 बांधने का, जिसकी लंबाई यहाँ जो कटा हुआ पोर्शन है उसके नीचे कम से कम 2 फीट आना चाहिए बाम्बू, और ऊपर भी 2 फीट आना चाहिए। अभी किस लिए, तो नीचे 2 फीट आने से उसको दो जगह बांध देने का उन बाम्बू स्टिक को, जो कि एकदम सटीक चिपकी हुई हो ऊपर तक, काय के लिए, तो यहाँ जो तुम्हारी कलमे हैं उनको सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ नई नवेली है तो इसको हल्का सा बांध देने का ऊपर, जो बाम्बू के जो ऊपर का कटिंग पार्ट है उसके नीचे 2 फीट बंधी हुई रहेगी, फिर ऊपर में जो 2 फीट निकली हुई रहेगी उसको यह स्टिक को बांध देने का हल्का सुतली से, ताकि तूफान आए तो अनबैलेंस होके ना गिरे। तो यहाँ हर महीने में आपको, हर 2-2 महीने में आपको जो पॉलीथीन ऊपर जो आप जो रस्सी बांधोगे सपोर्ट के लिए उसको छोड़ते रहिएगा 2-2 महीने बाद, और फिर बांधते रहिएगा ताकि उसे फांसी ना लगे किसे, जो आपकी सायन है उसे, क्योंकि मोटी होती है, जैसे जैसे मोटी होती है तो उसे फांसी टाइप का पोर्शन ग्रू बनती है, तो इसे 2-2 महीने बाद में उसको छोड़ के फिर ढीला। तो यह प्रोसेस दोस्तों कब तक रखने का है सपोर्ट अपने को, 2 साल तक लगभग, उसके बाद में टोटली ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा दोस्तों कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ सायन हमने फिट की थी। तो अब यहाँ ऊपर की टोपी पहना है हमने, उसे यहाँ नीचे का मुंह उसका पैक कर दिए, देखिएगा यहाँ पैक कर दिए हमने, और उसके ऊपर हमने ये डबल पहना दिया इसलिए क्यों पड़े। अब इसे छेद गिरा देने के 2-4 पॉलीथीन को ऊपर, काय के लिए, गैस निकलने के लिए, वेपर निकलने के लिए, ख्याल में रखिएगा। तो 2-4 होल मारने के ही है, इसी प्रकार के सेम वीडियो मैंने डाल चुके हैं दोस्तों। इसी कड़ी में मैं यहाँ एक वीडियो बताना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पर 2 फीट यहाँ जो पोर्शन दिख रहा, देखिएगा यहाँ यह जो कटा हुआ देखिएगा डैमेज वाला, यहाँ से बार्क ग्राफ्टिंग थी दोस्तों अंगूठे नुमा पोर्शन पे। अब यह समझ में ही नहीं आ रहा है बार्क ग्राफ्टिंग है, ये बार्क ग्राफ्टिंग ने टोटल कटे हुए पोर्शन को कवर कर लिया है दोस्तों। ये देखिएगा जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ थोड़ा दिख रहा है पोर्शन, अदरवाइज कोई बोल नहीं सकता वी ग्राफ्टिंग जैसी बना लिया इसने पोर्शन। अब यहाँ मात्र अभी नवंबर में 2 साल होंगे दोस्तों।